नमस्कार, किसान समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आंचल गुलाटी गुंबर। सबसे पहले इस वक्त के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों की क्रय शक्ति बेहतर बनाने के लिए खादी और ग्राम उद्योग पर दे रही है ध्यान। उत्तर पूर्वी मॉनसून में सामान्य से अधिक बरसात के बाद मिट्टी की बेहतर नमी वाली स्थिति के चलते वर्ष 2019-20 में रबी फसल उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 4.5% बढ़कर 13 करोड़ 42 लाख टन होने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक। मंत्रिमंडल ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 को दी मंजूरी। गलत कीटनाशक के उपयोग करने से अगर खेती को नुकसान होता है तो इसके लिए मुआवजे का है प्रावधान इसमें। और संयुक्त राष्ट्र के कृषि विकास अंतर्राष्ट्रीय कोष के प्रमुख ने भूखमरी, गरीबी और जलवायु परिवर्तन के अन्य परिणामों से लड़ने के लिए कृषि के बढ़ावा देने पर जो जरूरत है उसको लेकर दिया जोर। आइए अब जान लेते हैं इन सभी खबरों को विस्तार के साथ। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पुणे में राष्ट्रीय बैंक प्रबंधन संस्थान के स्वर्ण जयंती समारोह को उन्होंने संबोधित किया। उन्होंने कहा कि बचत पर बीमा की सीमा को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए तक हमने बचत करने वाले लोगों को आश्वस्त करने की दिशा में ये सकारात्मक कदम उठाया है। उन्होंने कहा, बैंक हमारे अर्थतंत्र के आधार है। इन्होंने देश की आर्थिक वृद्धि को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। साथ ही उन्होंने कहा कि वित्तीय समावेश के जरिए उन लोगों को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने में तेज प्रगति हुई जो पहले इन सेवाओं से वंचित थे। Their progress of the country depends on the contribution of the collective economic strength of the poor. Our banks have done a commendable job in changing banking from an elitist pursuit to a service available to common man. Millions of lives have been touched through direct transfer of funds under various welfare schemes to bank accounts of poor and the needy. I request banks to take proactive measures to bring greater gender parity in ownership of financial assets. केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों की काम करने की शक्ति को बेहतर बनाने के लिए खादी और ग्राम उद्योग पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा, हमारा ध्यान अनुकूल नीतियों के जरिए कृषि, ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन करने के साथ साथ लोगों की काम करने की शक्ति को बेहतर बनाने के लिए शहद, कुल्हड़, बांस, मछली पालन समेत ग्राम उद्योगों पर है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग और सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम मंत्री ने कहा कि इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश भर के 115 आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। गडकरी ने कहा कि उन्होंने आने वाले समय में लोगों के बीच स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ने से शहद की व्यापक मांग आने का अनुमान जताया है। साथ ही उन्होंने कहा कि शहद के सैशे, बिस्किट, चॉकलेट आदि जैसे उत्पादों के बाजार का लाभ जो है अभी तक उठाया नहीं गया है। ऐसे में रोजगार सृजन के लिए इनका लाभ उठाया जा सकता है। और अब बात कर लेते हैं मॉनसून की। उत्तर पूर्वी मॉनसून अक्टूबर से दिसंबर में सामान्य से अधिक बरसात के बाद मिट्टी की बेहतर नमी वाली स्थिति के चलते वर्ष 2019-20 में रबी फसल उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 4.52% बढ़कर 13 करोड़ 42 लाख टन होने का अनुमान है। एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई। नेशनल बल्क हैंडलिंग कॉरपोरेशन के रबी फसल अनुमान के मुताबिक वर्ष 2018-19 में कुल रबी अनाज का उत्पादन 12 करोड़ 84 लाख टन रहा। इस दौरान गेहूं का रकबा 12.03% बढ़कर 3.34 करोड़ लाख हेक्टेयर तथा उत्पादन 9.01% बढ़कर 11 करोड़
14 लाख टन होने का अनुमान है। हालांकि रबी धान का जो रकबा है वो 23.24% घटकर 26.1 लाख हेक्टेयर रहने की संभावना है, जो पिछले साल 34 लाख हेक्टेयर था। दाल और गेहूं पर ध्यान केंद्रित करने से धान उत्पादन 27.96% घटकर 1.03 करोड़ टन रहने की संभावना है। इससे पिछले वर्ष रबी मौसम में धान उत्पादन 1.43 करोड़ टन रहा। और अब बात करते हैं कैबिनेट के अहम फैसलों को लेकर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 को मंजूरी दी। पहले भी ये बिल लाया गया लेकिन संसद से पारित नहीं हो पाया था। गलत कीटनाशक के उपयोग करने से अगर खेती को नुकसान होता है तो इसके लिए मुआवजे का प्रावधान मौजूद है। पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल 2020 लाने का फैसला किया है और इसमें मूल मुद्दा है कि किसान को सुरक्षित एवं प्रभावी कीटनाशक मिले। दूसरा उसमें है कि नकली और अनधिकृत ना मिले, उसकी जबरदस्त व्यवस्था इस कानून में है। और अगर गलत तरीके से पेस्टिसाइड देगा तो उसको पेनल्टी की भी प्रोविजन है और क्रिमिनल केस की भी प्रोविजन है। जैसे और ऑर्गेनिक जो कीटनाशक है उसको भी प्रोत्साहन दिया है। खेती का या व्यक्ति का कोई बड़ा नुकसान होता है किसान का गलत कीटनाशक उपयोग करके, उसका मुआवजा मिलने की भी व्यवस्था इस बिल में है। वहीं कैबिनेट ने सार्वजनिक क्षेत्र की 3 बीमा कंपनियों नेशनल जनरल इंश्योरेंस, ओरिएंटल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में 250 करोड़ रुपए की पूंजी डालने का जो फैसला है उस पर भी मोहर लगा दी। रिकैपिटलाइजिंग द पब्लिक सेक्टर इंश्योरेंस कंपनीज, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी एंड यूनाइटेड General insurance companies. These are 3 general insurance companies. This time, this general insurance in the first installment tranche will get 2,500 crore rupees so that their solvency ratio becomes acceptable and they fulfill the norms of IRDA. सब्जी, दालें और मांस मछली जैसे खाने पीने के सामान का महंगा होने से खुदरा महंगाई दर जनवरी में बढ़कर 7.59% पर पहुंच गई। ये इसके 5.5 साल का उच्चतम स्तर है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा महंगाई दर दिसंबर 2019 में 7.35% रही। वहीं पिछले साल जनवरी महीने में ये 1.97% थी। इससे पहले मई 2014 में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित महंगाई दर 8.33% रही। और अगर हम आंकड़ों की बात माने तो उसके तहत आने वाले राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के आंकड़ों के अनुसार खुदरा महंगाई दर में यदि खाद्य महंगाई दर की बात की जाए तो जनवरी 2020 में ये 13.63% रही, जबकि एक महीने पहले दिसंबर 2019 में ये 14.10% थी। हालांकि जनवरी 2019 में इसमें 2.24% की गिरावट भी दर्ज की गई। स्थानीय खाद्य तेल बाजार में सोयाबीन रिफाइंड तेल 3 रुपए और पाम तेल के भाव में 10 रुपए प्रति 10 किलोग्राम की कमी हुई। कपासिया तेल 10 रुपए प्रति 10 किलोग्राम महंगा बिका। वहीं तिलहन में सरसों की अगर बात की जाए तो 50 रुपए और सोयाबीन के भाव में 50 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि दर्ज की गई। तिलहन सरसों से 3,650 से 3,700, अगर रायडा की बात की जाए तो वो 3,700 से 3,750, वहीं सोयाबीन 3,950 से 4,000 रुपए प्रति क्विंटल बिका। तेल अगर हम मूंगफली की बात की जाए तो वो इंदौर में देखा गया है 1,130 से 1,150, वहीं सोयाबीन रिफाइंड इंदौर में 850 से 852, वहीं सोयाबीन सॉल्वेंट की अगर बात की जाए तो 810 से 815, वहीं पाम तेल 860 से 865 रुपए के पास रहा। और अब बात टिड्डी दल की। अफ्रीकी देश युगांडा में फसलों को खराब करने वाला टिड्डी दल का जो प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और समस्या से निपटने के लिए सेना की मदद लेने का निर्णय लिया गया। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने सोमवार को आगाह किया कि पहले से ही संवेदनशील इस क्षेत्र में हम दूसरा बड़ा झटका
बर्दाश्त करने की हालत में नहीं है। सरकार की ओर से जारी एक बयान के अनुसार युगांडा में रविवार को टिड्डी दल देखे जाने के बाद सरकार ने आपात बैठक बुलाई और इसमें जमीन में कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए सैन्य बलों की ओर और हवा से कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए दो विमानों की मदद लेने का निर्णय लिया गया। संयुक्त राष्ट्र के अधिकारियों ने चेतावनी दी कि आने वाले समय में बारिश शुरू होने से पहले तत्काल कदम उठाए जाने की जरूरत है, क्योंकि बारिश के बाद टिड्डी दल की संख्या बढ़ेगी और इसी के साथ उनका भोजन बनने वाली वनस्पतियां भी बढ़ेंगी। अधिकारियों का कहना है कि यदि इनका सफाया तत्काल कदम उठाकर नहीं किया गया तो शुष्क मौसम की शुरुआत होने से पहले इनकी संख्या 500 गुना तक बढ़ सकती है। अब खबर पश्चिम बंगाल से, जहां के सिलीगुड़ी में चाय का उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, लेकिन बीते दिनों जलवायु परिवर्तन से मौसम के मिजाज में आए बदलाव में यहां के चाय बागान मालिकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। चाय की खेती में सिंचाई के लिए बारिश की कमी के चलते किसानों को स्प्रिंकल विधि से सिंचाई करनी पड़ रही है। किसानों का कहना है कि इससे चाय के उत्पादन में आने वाली कमी को काफी हद तक कम किया जा सकता है। आप देखिए, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ऋतु का जो परिवर्तन है, सीजन का परिवर्तन हुआ है। हम लोग पहले देखा था उत्तर बंगाल में नवंबर दिसंबर जनवरी में बहुत सारा बारिश होता था और पूरा चेंजेस हो गया, और इसमें अभी खर्चा बढ़ रहा है, क्योंकि इरिगेशन में आप क्या आप गाछ को बचा सकते हो, प्रोडक्शन तो नहीं ले सकते हो, और उसके अंदर में इतना वेदर चेंज हो गया कि अभी बहुत सारा नया नया पेस्ट आ रहा है और पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए खर्चा बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा है, उसमें चाय में इफेक्ट पड़ेगा और चाय का मार्केट भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो हम लोग दुगुना मतलब प्रॉब्लम में पड़ गया। चाय का दाम भी नहीं बढ़ रहा है और चाय का प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रहा है। चाय के गाछ के लिए पानी जरूरी है, लेकिन स्टॉक जैसा जमा हुआ जो पानी है ये नहीं चाहिए। लेकिन अभी क्या हुआ है, सभी जगह में जैसा पहले चाय बागान के लिए रिवर से पानी आता था, नेचुरल फाउंटेन से आता था, अब क्या हुआ इंटीरियर पॉकेट में भी चाय बागान बन गया, जहाँ पर कोई रिवर नहीं है, कोई नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर नहीं है, तो वो लोग बोरिंग करके पानी उठा रहा है, तो बोरिंग पानी से इरीगेशन करके जो पता ले रहा है उसमें फायदा तो हो रहा है, लेकिन उसमें एक चीज़ है जो नेचुरल पानी जैसा एक तो फाउंटेन का पानी या रिवर का पानी में जो फ्रूटफुल रिजल्ट आता है उतना रिजल्ट तो नहीं आता है, लेकिन दे हैव नो अदर अल्टरनेटिव, इसलिए वो सब्स्टिट्यूट यूज किया जा रहा है। देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय एक जिला निर्यात योजना पर काम कर रहा है। इसके तहत हर राज्य और संघ शासित प्रदेश के हिसाब से निर्यात की योजना बनाई जाएगी ताकि देश से निर्यात को बढ़ाया जा सके। एक आधिकारिक बयान में ये जानकारी दी गई। वाणिज्य मंत्रालय ने कहा कि आंकड़े तैयार करने के लिए मंत्रालय जिला स्तर पर निर्यात आंकड़े तैयार करने पर गौर करेगा। देश के 750 जिलों से निर्यात उत्पादों की पहचान की गई है, उनमें चमड़ा, मसाले, परिधान, ऊन, खाद्य उत्पाद, सेरेमिक्स, शिल्प का सामान, खेल का सामान, फार्मा के जो उत्पाद हैं, इंजीनियरिंग का सामान, वाहन कलपुर्से, पोल्ट्री, सब्जियां, कट फ्लावर्स और वैज्ञानिक उपकरण शामिल हैं। खबर उत्तराखंड से, जहां सरकार ने कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के तहत आने वाले गांवों को पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र की सूची से बाहर रखने का फैसला किया। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के बाद राज्य सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने संवाददाताओं को बताया कि इस फैसले से सीटीआर में ढेला गांव और उसके आसपास के 46 जो चक्के हैं वहां के निवासियों को राहत मिलेगी। वहां के निवासी पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र की सूची में शामिल किए जाने के प्रस्तावित कदम का इस आधार पर विरोध कर रहे हैं कि इससे उन पर प्रतिबंध लग जाएंगे और उनकी कृषि की अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के निदेशक राहुल ने बताया कि लोगों की दो आकांक्षाएं थी, जो कि पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्र में शामिल होने के बाद उन्हें एक मंजिला से ज्यादा ऊंचा घर नहीं बनाने दिया जाएगा और साथ ही अपने खेतों में वो खाद्य और कीटनाशकों का जो कीटनाशक है उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे।
और अब बात संसद की। संसद की एक समिति ने कहा कि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यस्थिति संहिता 2019 के विभिन्न प्रावधानों को और स्पष्ट करने की जरूरत है। श्रम पर संसद की स्थायी समिति की संसद में पेश रिपोर्ट में कहा गया कि ठेका श्रमिकों को सीधे तौर पर इस संहिता के तहत लाने की जरूरत है। साथ ही इस संहिता में 13 मौजूदा श्रम कानूनों को समाहित किया जाएगा। इसे लोकसभा में 23 जुलाई 2019 को पेश किया गया। बाद में इसे समिति के पास भेज दिया गया। समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि संहिता में शामिल प्रावधानों की व्याख्या में स्पष्टता होनी चाहिए और इनकी परिभाषा समान होनी चाहिए। समिति ने कहा क्योंकि 13 श्रम कानूनों को इसमें समाहित किया जा रहा है, इसलिए इसमें स्पष्टता की जरूरत है। रिपोर्ट कहती है कि इसमें मूल व्यापक ढांचा प्रदान किया जा सकेगा, जिसमें नियम, नियमन, मानक, उपकानून बनाने के लिए अनुकूल प्रावधान होने चाहिए। और आइए अब देखते हैं कि कैसे इस मौसम में कर सकते हैं मक्का की खेती। नवंबर में शीतकालीन मक्का की बुवाई की जाती है। इस माह के अंत तक बुवाई पूरी कर ली जाती है और करीब 2 से 2.5 फीट ऊंची हो जाने पर पौधों में यूरिया दिया जाता है। वैसे पूरी मक्का के दौरान 120 किलो नाइट्रोजन, 60 किलो फास्फोरस और 40 किलो पोटाश प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देते हैं। मक्का में तीसरी सिंचाई बुवाई के 75 से 80 दिन बाद करनी चाहिए, यानी ये समय तीसरी सिंचाई का है। चौथी सिंचाई 100 से 110 दिन के बाद होती है। मक्का की फसल में दाना बनते समय सिंचाई जरूर करनी चाहिए। सिंचाई ना करने पर नमी की कमी के कारण पौधों की बढ़वार पर असर पड़ता है और उपज भी कम रह जाती है। इसके साथ ही फसल को कीट और रोगों से बचाने के भी उपाय करते रहें। मक्का में तना भेदक और पत्ती लपेटक कीट का हमला हो सकता है। इसके लिए कार्बरिल की 2 से 5 मिलीलीटर दवा को 500 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए। इसके अलावा मक्का में आर्मी वर्म के लक्षण दिखाई देने पर कीट निगरानी के लिए फेरोमोन ट्रैप लगाना चाहिए। शुरुआती लक्षण दिखाई देने पर नीम तेल को पानी में मिलाकर 15 दिन के अंतराल पर छिड़के। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां सरकार जल्द ही बागवानी नीति की घोषणा करेगी। इसका उद्देश्य बाजार की चुनौतियों से निपटना और उत्पादन को बढ़ाना है। ये नीति जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को दूर करने पर भी विशेष ध्यान देगी। जम्मू कश्मीर कृषि उत्पादन और बागवानी विभाग के सचिव मंजूर अहमद लोन ने कल श्रीनगर में कहा कि इससे जम्मू कश्मीर में बागवानी से राजस्व मौजूदा 8000 करोड़ रुपए वार्षिक से बढ़कर 50000 करोड़ रुपए वार्षिक करने में मदद मिलेगी। साथ ही जम्मू कश्मीर की वित्तीय स्थिति और रोजगार सृजन बढ़ाने में भी बागवानी क्षेत्र का महत्वपूर्ण योगदान है। ये इस केंद्र शासित प्रदेश में करीबन 33 लाख लोगों की आजीविका का मुख्य साधन है। 7 लाख परिवार प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से बागवानी के क्षेत्र पर निर्भर हैं। संयुक्त राष्ट्र के कृषि विकास अंतर्राष्ट्रीय कोष के प्रमुख ने भुखमरी, गरीबी और जलवायु परिवर्तन के अन्य परिणामों से लड़ने के लिए कृषि को बढ़ावा देने के लिए इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर खर्च बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। AIFAD के अध्यक्ष गिलबर्ट होंगबो ने कहा कि हम 1.7 अरब डॉलर का योगदान मांग रहे हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया भर में भुखमरी बढ़ने के साथ ये जरूरत काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि ये जरूरत विकासशील देशों के ग्रामीण इलाकों में गरीबी और भुखमरी से निपट रही है। संयुक्त राष्ट्र एजेंसी के लिए बजट में 54% का प्रावधान किए जाने के बराबर है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से टेलीफोन साक्षात्कार में कहा, जलवायु से संबंधित चुनौतियां बढ़ने की वजह से हम एक असाधारण अपील कर रहे हैं। यह अपील इस हफ्ते रोम में कोष की बोर्ड की बैठक के दौरान की जाएगी। साथ ही कोष ने 2017 में जो सदस्य हैं और उसके जो राष्ट्र हैं उनसे स्वैच्छिक योगदान में 1.2 अरब डॉलर मांगे और अभी तक उन्हें 1.1 अरब डॉलर की राशि प्राप्त हुई है। सरकार ने कृष्णापुरम प्याज का कुछ शर्तों के साथ निर्यात करने की अनुमति दे दी है। यह आंध्र प्रदेश के कृष्णापुरम इलाके की खास किस्म की प्याज है। सरकार ने केवल मार्च अंत तक की अवधि में इस किस्म की 10,000 टन प्याज के निर्यात की अनुमति दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि प्याज के निर्यात की अनुमति सिर्फ चेन्नई बंदरगाह के जरिए होगी। साथ ही एक अधिसूचना में यह भी कहा गया कि 10,000 टन तक कृष्णापुरम प्याज के निर्यात की अनुमति दी गई है। यह निर्यात 31 मार्च
2020 तक किया जाना है। ये व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। अपने छोटे आकार और तीखेपन की वजह से कृष्णापुरम प्याज का स्थानीय स्तर पर रसोई में अधिक इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन थाईलैंड, हांगकांग, मलेशिया, श्रीलंका और सिंगापुर में इसकी अच्छी मांग है। अधिसूचना में यह भी कहा गया कि जो निर्यातक हैं उन्हें आंध्र प्रदेश सरकार के बागवानी विभाग से प्रमाणन लेना होगा। इसमें निर्यात किए जाने वाले प्याज की मात्रा का भी उल्लेख किया जाएगा। और आइए अब देखते हैं इस मौसम में किसान कैसे करें खेती किसानी। हिमाचल के पहाड़ी इलाकों में छोटे पौधों को ढक कर रखें। गेहूं की फसल को पीला रतुआ रोग से बचाने के उपाय करें। समय से बोई गई सरसों की फसल में निराई गुड़ाई करने का काम करें। साथ ही यहां सरसों की फसल को बीमारियों से बचाने के उपाय करें। इस समय टमाटर की फसल में फल छेदक कीट के हमले की आशंका है। ऐसे में किसान कृषि विशेषज्ञों की सलाह लेकर टमाटर की फसल को बचाने के उपाय करें। किसान प्याज की फसल को थ्रिप्स के हमले से बचाने के भी उपाय करें। साथ ही जिन किसानों ने अभी तक प्याज की रुपाई नहीं की है वो जल्द से जल्द प्याज की रुपाई कर ले। हिमाचल प्रदेश में किसान बैंगन, बंद गोभी, फूल गोभी और टमाटर की फसल को कीटों से बचाए। हिमाचल प्रदेश के मध्य और निचले पहाड़ी इलाकों में किसान आलू की बुआई को पूरा कर ले। वहीं उत्तर प्रदेश में फसलों को ठंड से बचाने के लिए सिंचाई करें और जरूरत के अनुसार छप्पर लगाने का काम करें। गेहूं की फसल में किसान इस समय यूरिया ना छिड़के और सिंचाई भी ना करें। साथ ही मौसम को देखते हुए गेहूं में दूसरी और तीसरी सिंचाई 40 से 65 और 60 से 65 दिनों के अंतराल में करें। केरल के वित्त मंत्री टीएम थॉमस इसाक ने 2020-21 वित्त वर्ष के लिए पांचवां बजट पेश किया। बजट में उन्होंने तटीय इलाकों के विकास के लिए 1000 करोड़ रुपए, लोक निर्माण विभाग के लिए 1500 करोड़ रुपए, ग्रामीण सड़क परियोजना के लिए 1000 करोड़ रुपए का आवंटन और पेयजल परियोजनाओं के लिए 4383 करोड़ रुपए रखे। उन्होंने कहा सरकार आगामी वर्ष में 2.5 लाख पानी के कनेक्शन देने का प्रस्ताव रखती है। साथ ही जीवन योजना के तहत 1 लाख घरों का निर्माण भी किया जाएगा। साथ ही उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने सभी कल्याण पेंशन जो निधि है उसमें 100 रुपए का इजाफा किया। धान की खेती करने वाले किसानों को 40 करोड़ रुपए और राज्य में स्टार्टअप्स के लिए 10 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद ने कहा कि कृषि क्षेत्र के समक्ष किसानों को उनकी जरूरत के अनुसार टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराने और खासकर राज्य स्तर पर नीतिगत सुधारों को क्रियान्वित करने में जो समस्याएं हैं उन्हें उनका समाधान करना होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कृषि उपज और पशुधन विपणन, भूमि पट्टा और अनुबंध खेती के मामले में राज्य स्तर पर केंद्रीय कानून के क्रियान्वयन पर भी जोर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी बदलाव का महत्वपूर्ण कारक बन गया है। उन्होंने ये भी कहा कि कृषि क्षेत्र में वृद्धि हो रही है लेकिन उत्पादन लागत में भी वृद्धि हो इसके लिए भारत में जो निर्यात की प्रतिस्पर्धा है उसको लेकर भारत काफी पीछे है। फिक्की की राष्ट्रीय कृषि समिति के चेयरमैन और समूह के अध्यक्ष टी आर केसवन ने कहा कि बढ़ती आबादी की जरूरतों को पूरा करने के लिए अधिक उपज और बर्बादी को रोकने की जरूरत है। खबर महाराष्ट्र से, जहां के नासिक जिले के आसपास के गांवों के किसान परिवारों के बड़ी संख्या में युवा खेती बाड़ी के साथ साथ अब इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बिंग जैसे जो वैकल्पिक नौकरियां हैं उससे भी धन कमा रहे हैं। उनमें से अधिकांश किसान निर्माण संबंधी उद्योग में वैकल्पिक नौकरियों से 7 से करीबन 15,000 रुपए तक महीना कमा रहे हैं। इन किसानों का कहना है कि नौकरियों से उन्हें अपने कृषि पर निर्भर परिवारों की मदद के लिए पर्याप्त पैसा मिल जाता है। ये किसान ज्यादातर कक्षा 8वीं से 12वीं पास हैं और ये धीरे धीरे प्रतिभाशाली पेशेवरों के रूप में उभर रहे हैं। उनके लिए इस हैसियत से श्रेय अगर दिया जाता है तो वो है पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड के कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व यानी कि CSR के तहत उसके द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उसी की वजह से व्यवसायिक कौशल हस्तक्षेप को दिया जाता है, जिसे वह कॉन्फेडरेशन ऑफ रियल एस्टेट डेवलपर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और विवेकानंद संस्थान नासिक के समर्थन से चला रहा है। जम्मू कश्मीर में प्राकृतिक पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से यहां युवाओं को पक्षियों की प्रजातियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है। घाटी के युवाओं को प्रवासी पक्षियों के बारे में प्रशिक्षित कर
युवाओं को यहाँ पर इस कौशल को सीख देकर भविष्य में इस क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर बनाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। गौरतलब है कि कश्मीर घाटी में विश्व भर से पर्यटक पक्षियों की प्रजातियों को देखने के लिए आते हैं, जिसमें युवा उन्हें बेहतर गाइड कर सकते हैं। एक्चुअली जो बर्ड वॉचिंग है, अगर आप देखेंगे फॉरेन कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है। इनफैक्ट लास्ट ईयर ही यहाँ पे ऑरेंज बुलफिंच देखने के लिए फॉरेन से लोग आए, जबकि कश्मीरियों को पता भी नहीं था कि दारचीगांव में ऐसा बर्ड है। तो ये चीज़ कश्मीरियों में बहुत लैकिंग है, बर्ड वॉचिंग की तरफ एक वो जज्बा या पैशन। नेचर बेस्ड टूरिज्म को हम प्रमोट करें, बर्ड टूरिज्म को प्रमोट कर सके, कल को ये लोग अपनी रोजी रोटी कमा सके बाय बिकमिंग बर्ड गाइड्स। अगर हम चाहें कोई प्लेस इको टूरिज्म बनाने के लिए, जो हम इको टूरिज्म प्लेस बनाएंगे, तो उसका मेन पार्ट है बर्ड वॉचिंग का, क्योंकि कल को हम अगर बर्ड वॉचिंग गार्ड्स बने तो आई थिंक वी अर्न समथिंग फ्रॉम इट। आउट ऑफ 106 फैमिलीज देयर आर अराउंड 41 फैमिलीज ऑफ बर्ड्स फाउंड इन ओनली कश्मीर वैली, एंड दैट्स अ ह्यूज अमाउंट। सो बर्ड्स के बारे में यूजुअली यहाँ के लोगों को नहीं ज़्यादा पता होता है, और बर्ड्स जो है इट कॉन्स्टिट्यूट्स एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द टोटल बायोडाइवर्सिटी फाउंड इन आवर कश्मीर वैली। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं सुर्खियों का। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि सरकार ग्रामीण एवं जनजातीय क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के साथ साथ लोगों की काम करने की शक्ति को बेहतर बनाने के लिए खादी और ग्राम उद्योग पर दे रही है ध्यान। उत्तर पूर्वी मॉनसून में सामान्य से अधिक बरसात के बाद मिट्टी की बेहतर नमी वाली स्थिति के चलते वर्ष 2019-20 में रबी फसल उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में 4.52% बढ़कर 13 करोड़ 42 लाख टन होने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक, मंत्रिमंडल ने कीटनाशक प्रबंधन विधेयक 2020 को दी मंजूरी। गलत कीटनाशक के उपयोग करने से अगर खेती को नुकसान होता है तो इसके लिए मुआवजे का है प्रावधान इसमें। और संयुक्त राष्ट्र के कृषि विकास अंतर्राष्ट्रीय कोष के प्रमुख ने भुखमरी, गरीबी और जलवायु परिवर्तन के अन्य परिणामों से लड़ने के लिए कृषि को बढ़ावा देने की जरूरत पर दिया जोर। किसान समाचार के इस बुलेटिन में इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।